इसराइल, लेबनान और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की बात कही। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि चाहे अब जो भी हो जाए, ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इस बीच G7 देशों ने दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। ट्रंप ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि ईरान के हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इसराइल को ईरान के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना चाहिए। ट्रंप की ये टिप्पणी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद आई है। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military. Jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's where they should, that's what they, if they're going to do it. इस बीच IRGC के डिप्टी चीफ ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने इसराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, इसराइल की ओर से कोई भी गलत कदम उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। ईरान इसराइल के सभी ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाएगा, जिसमें बिजली स्टेशन, रिफाइनरीज और गैस जैसे सेक्टर शामिल हैं। ईरान में इन सभी लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता है। वहीं ईरान आर्मी कमांडर इन चीफ ने भी इसराइल को धमकी दी है। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा, इसराइल को किसी भी लापरवाही कार्रवाई के लिए गंभीर और विनाशकारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी संयम और धैर्य का परिचय दिया है। ईरान उचित समय पर सटीक और विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान तेल फैसिलिटी पर संभावित इजरायली हमलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन के इस बयान के बाद ईरान ने सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, अगर इजरायल और अमेरिका ईरान की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाते हैं तो ईरान सऊदी अरब, अजरबैजान, कुवैत, UAE और बहरीन समेत पूरे इलाके में रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों में आग लगा देगा। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल को लेकर हाहाकार मच जाएगा। ईरानी धमकी के बाद अब बाइडेन के सुर बदले बदले से नजर आए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते कि इसराइल ईरान के तेल उत्पाद संयंत्रों को निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अब तक ये तय नहीं किया है कि वे किस तरह से हमला करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा चल रही है। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो ऑयल सेक्टर पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में सोचता। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका एक दीवार बनकर ढाल का काम कर रहा है। नहीं तो ये युद्ध कब विकराल रूप ले सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बता दें कि ईरान दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो अपने उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा विदेशों में निर्यात करता है। खैर, अब इस बढ़ते तनाव के बीच देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसराइल अमेरिका की बात मानता है या फिर अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान के तेल भंडार पर हमला कर युद्ध को और भयंकर बनाते हुए नए युद्ध के लिए ललकारता है।